सर दुकान के बाहर आपने एक बोर्ड लगा दिया है जिस पर पुलिस प्रशासन जिंदाबाद और आज से शोरूम बंद है। क्या कुछ कहानी है इसके पीछे? आतंकवादी जो कयूम लाला है, जब उस कयूम लाला के ऊपर निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है तो उसके बावजूद भी नीचे के जो पुलिस प्रशासन है उसके दबाव में आकर बहुत बुना साबित हो रहा है। क्या माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र जी मोदी से हमारा निवेदन है कि बड़ी जो कंपनियां हैं उससे इन लोगों की जांच होना चाहिए और बड़े लेवल पे इनका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और इन लोगों को जड़ मुक्त ख़त्म करना चाहिए। ये लोग यहाँ पे आतंकवाद जिस प्रकार से फैला रहे हैं उस हिसाब से आतंकवादी गतिविधियाँ इनकी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की कर रही है। आप मानते हैं कि इनका पाकिस्तान वगैरह और आतंकवादी संगठनों से कुछ गठजोड़ होगा? इनका सीमी नेटवर्क से संबंध है, इनका सीधे सीधे सीमी नेटवर्क के हैं ये लोग सब जने, और पाकिस्तानी गतिविधियां भी इनके यहाँ पर रहती है और पाकिस्तानी हथियार सप्लायर है। पहले भी चुन्नू लाला के ऊपर इस तरह प्रकार के आरोप लगे हैं और कयूम लाला ये पूरा ग्रोह चलाता है। आगे क्या कुछ बड़े खुलासे हो सकते हैं या फिर कोई और मैसेज की आप मानते हैं कि प्रशासन में कुछ जिम्मेदार मानते हुए आप कुछ बड़े खुलासे करेंगे? कयूम लाला एक बहुत ब्लैकमेलर टाइप का आदमी है, उसने प्रशासन सारे अधिकारियों के वीडियो बना रखे हैं, प्रशासन अधिकारी इसको बचाने की कोशिश करते रहते हैं, सारे बड़े बड़े राजनेता जितने हैं उनके भी वीडियो बने हुए हैं, बाबा के जाके धोख लग के ने मुलजिमों को लेके आते हैं लोग क्या, और इस तरीके से सारी आतंकवादी गतिविधियाँ फैलाते हैं, जबकि जो सच होता है वो सच कुछ कोसों दूर रहता है और झूठ ही झूठ सामने आता है। पुलिस प्रशासन हमेशा झूठ साबित करके और केस को छोटा बना के बोना बना के और इन लोगों को संरक्षण देने का काम करती है।